नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त हमारे साथ पूरे भारत में मुस्लिम मुद्दों पर जमकर पक्ष रखने वाले, मुस्लिमों की वकालत करने वाले, मुसलमानों के हर छोटी बिटी एक्टिविटी पर अपनी निगाह रखने वाले और अपने पत्रकारिता से मुस्लिम मसाइल को धार देने वाले शम्स तबरेज कासमी मिल्लत टाइम्स दिल्ली के एडिटर इन चीफ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। शम्स तबरेज साहब, अभी आप सीमांचल के इलाके से घूम कर आ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जब भी कभी मुस्लिम मसाइल छिड़ते हैं या फिर मुसलमानों पर आंच आती है तो आप उन मुद्दों को लेकर बेहद सरगर्म रहते हैं। बिहार में इन दिनों अच्छी खासी जो चर्चे की वजह है वो ये है कि मुसलमानों की आबादी 20% और मुसलमानों को टिकट मिलता है सिर्फ 2 पार्लियामेंट क्षेत्र में बिहार में, जबकि मुकेश सहनी को 3 टिकट दे दिया जाता है जिनकी आबादी 33% है। कई सारे अलग अलग जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और भी इलाके, सीतामढ़ी भी अच्छी खासी आबादी है, शिवहर है, जहां पर मुसलमानों को एक्टिव नहीं देख रहा हूं। मुसलमान बहुत ज्यादा कूद फांद नहीं करते आ रहे हैं, जैसे कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत सरगर्मी होती थी मुसलमानों के अंदर, चौक पर, चौराहों पर, होटल में, मोहल्लों में, बाजारों में जो एक चर्चा हुआ करती थी। तो क्या ऐसा लगता है कि इस बार जो मुसलमान है वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया है कि भैया चलो वोट का दिन आएगा तो वोट जाकर दे देना है या फिर देंगे देंगे नहीं देंगे? देखिए, आपका सवाल बड़ा लंबा है और इसको समझिए कि सियासत से मुसलमानों को दूर करने की प्लानिंग है, साजिश है। ये साजिश और प्लानिंग आरएसएस की है कि मुसलमान सियासत से दूर रहे, मुसलमान किसी भी सरगर्मी में हिस्सा ना ले, और उसी एजेंडा पर तमाम पार्टियां अमल करती है। सिर्फ बिहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जहां जहां भी सेकुलर पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को उतारा है तो मुसलमानों को आबादी के अतबार से हिस्सेदारी नहीं दी है उन्होंने। ये आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बंगाल की टीएमसी हो, जो भी पार्टी है जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, ये तमाम पार्टियां दिन रात ये कहती है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जब टिकट तकसीम करने की बात आती है तो ये पार्टियां मुसलमानों को बहुत कम जगहों पर टिकट देती है, और जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब यही होता है कि वहाँ पर मुस्लिम वोट फैक्टर नहीं रहा या मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देने की वजह से हिंदू वोटर्स हमसे नाराज हो जा रहे हैं, बीजेपी को हराना मुमकिन नहीं हो पाता, इसलिए हमने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। मुसलमानों को यह भी वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका मकसद और आपका एजेंडा एमपी और एमएलए बनाना नहीं होना चाहिए बल्कि बीजेपी को हराना होना चाहिए, और बीजेपी को हराने का वाहिद तरीका यह है कि आपके इलाके से मुसलमान उम्मीदवार ना हो। तो अभी आप देखेंगे, मैं कई जगह होकर के आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों को कहाँ से होकर आ रहे हैं। जैसे अभी मैं सीमांचल के पूर्णिया से होकर आया, अररिया से होकर आया, सुपौल से आया, किशनगंज से होकर के आया, कटिहार से होकर के आया। तो हो क्या रहा है कि सबसे पहले नंबर पर तो आप बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार में 20% मुसलमानों की आबादी है, यादव की आबादी सिर्फ 14% है, और आरजेडी पार्टी का मतलब है मुसलमान और यादव, यानी MY समीकरण। आरजेडी का जो भी महफूज वोट बैंक है, पहले नंबर पर मुसलमान है और दूसरे नंबर पर यादव है। हालांकि यादव वोट भी अब आरजेडी को बहुत कम मिल रहा है, 40-50% वोट ही यादव का मिल रहा है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। क्या राजद का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने ही ले रखा है? सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो विधानसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। 2020 का जो विधानसभा का चुनाव गुजरा है उसमें आरजेडी को सिर्फ 50% यादव ने वोट किया, मुसलमानों ने तकरीबन 90% वोट किया, और लोकसभा के चुनाव में यादवों का वोट आरजेडी को बहुत कम जाता है, ज्यादातर वोट आरजेडी को, यादवों का वोट मोदी को जाता है। अब किसी भी यादव से जाकर बातचीत कीजिए और बगैर कैमरा के बातचीत कीजिए, अनजान बन करके बात कीजिए, कहेंगे कि भाई लोकसभा का चुनाव है तो मोदी को लाना है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो चेहरा बदलने की जरूरत है, हम तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन लोकसभा का चुनाव है तो सीधे बीजेपी पर नजर रखते हैं। तो एक ये यहाँ के यादवों का मिजाज बन गया है। मुसलमान महफूज वोट बैंक है अभी तक आरजेडी का, क्योंकि आप देखेंगे जब भी नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ते हैं मुसलमान उनको वोट नहीं करते या बीजेपी के साथ आते हैं तो फिर वोट करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जेडीयू को वोट करने का मतलब है अलायंस में होते हुए बीजेपी को वोट करना। 2020 में नीतीश कुमार ने 11 उम्मीदवार मुसलमान उतारे थे, कोई भी नहीं जीत सका था। अब पहले नंबर पर मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, उनकी आबादी के अतबार से 2 टिकट देने का कुछ मतलब नहीं बनता। 2 टिकट मतलब पूर्णिया पिछले बार 5, यादव 9 थे, इस बार यादव 10 है।
वही तो। अब देखिए कि यादव 10 हैं और मुसलमान कितने हैं, सिर्फ 2। दरभंगा जैसी सीट सा मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बना रहे, यादव को दे रहे हैं। पूर्णिया जैसी सीट सा बीमा भारती को उम्मीदवार बना रहे, मुसलमान को नहीं दे रहे, जबकि पूर्णिया में मुसलमानों का जो वोट है 40% है। सिवान जहाँ मुसलमानों का वोट 38 से 40% है, और शहाबुद्दीन की फैमिली ने पूरी जिंदगी आरजेडी को आगे बढ़ाया, सवारा है। शहाबुद्दीन मरहूम आरजेडी के फाउंडर मेंबर थे पूरी जिंदगी। कहते हैं कि उनका एक वर्ड कि लालू मेरे नेता है, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, खत्म कर दिया उनकी। हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि नीतीश कुमार को बुरा लगा, उनको लगा कि हमने बचाया सब कुछ किया, और आज तक वो आरजेडी लालू प्रसाद को नेता मान रहे, उनको चीफ मिनिस्टर तस्लीम कर रहे हैं। जिसमें सच्चाई है कि धीरे धीरे मुसलमानों को सियासत से किनारे लगाया जा रहा है, और इस चुनाव में हो गया। पूर्णिया में नहीं दिया गया, सिवान में नहीं दिया गया, दरभंगा में नहीं दिया गया, शिवहर में हमेशा दिया जाता रहा है, वहां नहीं दिया गया, चंपारण में नहीं दिया गया। मतलब जहां जहां यादवों को दिया गया है ना, आप देखिए वहां यादवों का वोट 30% से भी कम है। कोई भी लोकसभा की सीट ऐसी नहीं है बिहार में जहां यादवों का वोट 30% से ज्यादा हो, लेकिन कई लोकसभा की सीट ऐसी है जहां मुसलमानों का वोट 40% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, लेकिन टिकट वहां मुसलमानों को नहीं दिया गया है। और सिर्फ टिकट नहीं, बल्कि चुनाव में भी, मतलब कोई लीडर आता है, कैंडिडेट बनता है, तो फिर वो अपने साथ चुनाव प्रचार के लिए जाता है, उसके साथ टीम घूमती है, तो उनकी टीम में भी इस वक्त मुसलमान नहीं है, उनके दाएं बाएं बैठने वाले भी मुसलमान नहीं है। जो मैनिफेस्टो जारी हुआ आरजेडी की तरफ से, देखेंगे वहां मुसलमान चेहरे बहुत कम थे, बल्कि कोई नहीं था मेरे ख्याल में। क्या करना चाहिए ऐसे मुसलमानों को? देखिए, मुसलमानों के पास ऑप्शन भी नहीं छोड़ा गया है, और मुसलमानों को हमेशा कहा जाता है कि आप बीजेपी को हराने के लिए वोट कीजिए, वरना बीजेपी इख्तदार में आ जाएगी, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी तो इख्तदार में है 10 साल से, सिटी खतरे में पड़ जाएगी। 10 साल से है इख्तदार में। हाँ, ये बात सामने आ चुकी है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट किसी को इख्तदार में जाने या ना जाने से रोक नहीं सकता है, तो मुसलमानों के साथ सेकुलर फोर्सेस को भी साथ में मिलना होगा, और आरजेडी को या कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों पर फोकस करने के बजाय दलितों पर और ओबीसी पर फोकस करना पड़ेगा। उनको अपने साथ लाना होगा, उनको समझाना होगा। मुसलमानों को ये समझाया जाता है कि बीजेपी सिर्फ तुम्हारी दुश्मन है, बीजेपी से सिर्फ तुमको खतरा है, इसलिए तुम हमको वोट करो, बीजेपी को वोट मत करो। लेकिन बीजेपी से जितना खतरा मुसलमानों को है, उससे ज्यादा खतरा ओबीसी को है, दलितों को है, क्योंकि उनकी आजादी छिन जाएगी, वो मनुस्मृति का निजाम नाफिज करेंगे, तो फिर उनको दोबारा गुलामी करने पर मजबूर होना पड़ेगा, उनको अपर कास्ट की गुलामी करनी पड़ेगी। कि मुसलमानों से ज्यादा खतरा भारत के दलितों को है। बिल्कुल, दलितों का, क्योंकि आज जो दलितों को रिजर्वेशन है वो आईन की वजह से, मुसलमानों को तो रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। जितने दलित रोजगार में है, जॉब में, वो आईन की वजह से है। अब बात हो रही है कि संविधान को बदला जाएगा, सरकार अगर बीजेपी के दोबारा आ जाएगी तीसरी मरतबा, तो रिजर्वेशन किसका खत्म होगा? आरएसएस ने बार बार कहा कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ है, और कोशिश करके उन लोगों ने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ला भी दिया जनरल कोटे से, तो EWS का जो रिजर्वेशन आया है जनरल कोटा के लिए, वो किसका नुकसान हुआ है? मुसलमानों का नुकसान हुआ, बल्कि मुसलमानों को तो उसमें रिजर्वेशन मिला है, कम किसका हक हुआ? दलितों का हुआ। तो असल खतरा दलितों को है, और दलितों को ओबीसी कोई बात समझाने में नेता नाकाम है, और सिर्फ मुसलमानों को वरगला के बहका करके वोट लेते हैं। मुसलमानों को अच्छी तरह पता रहता है कि उनको किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है। सेकुलरिज्म को बचाने के लिए हमेशा इस देश में मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम मुसलमानों ने किया है। अगर हमारे देश में लाल किला की खूबसूरती है, ताजमहल की खूबसूरती है, जामा मस्जिद की बुलंदी है, या जो भी तारीखी इमारतें हैं जिसकी वजह से, या ताजमहल है, दुनिया भर में हिंदुस्तान को अगर जाना जाता है, तो मुस्लिम बादशाहों की वजह से। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, तो देश को आजाद कराने का भी काम मुसलमानों ने किया। सबसे ज्यादा मुजाहिदीन आजादी मुसलमान है हर खत्ते में, हर इलाके में। और जब भी तानाशाहों ने यहाँ हुकूमत की है या कम्युनल फोर्सेज हावी हुए हैं, तो मुसलमानों ने यकजहती का सबूत पेश किया है और सेकुलर ताकतों को इकतदार तक पहुंचाया है। खुद एक दौर था, ये जो आरजेडी पार्टी है, ये जनता दल से निकली हुई है। जनता दल के लोग कांग्रेस के खिलाफ एक महाज की शक्ल में आए थे, है ना? और वो क्या हुआ था, क्योंकि उन दिनों कांग्रेस जिस तरह आज बीजेपी कर रही है ना, वैसी हरकत उन दिनों कांग्रेस की भी थी। तब लोगों में गुस्सा आया, जनता दल बना, फिर आरजेडी बनी। तो कांग्रेस के जुल्म से या उस वक्त के हालात से बचाने के लिए किन लोगों ने इकट्ठे होकर सपोर्ट किया, वोट किया आरजेडी को, इस पार्टी को इख्तदार में दिलाया? मुसलमानों ने, क्योंकि MY समीकरण हमेशा मशहूर है, मुसलमानों के बगैर आरजेडी का कोई वजूद नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बगैर समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं। तो मुसलमानों ने हमेशा सपोर्ट किया सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, लेकिन उन लोगों को बचाना होगा। अगर आईन बदला जाएगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, तो दलितों के लिए ज्यादा खतरा है, आदिवासियों के लिए ज्यादा खतरा है, ओबीसी के लिए ज्यादा खतरा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भैया खतरा तो तुम्हें है, हमें नहीं है, हमें ना रिजर्वेशन है,
ना हमारे साथ कोई फायदा है ना हमारे साथ कोई मुआयदा है, खतरा तुम्हें इसलिए तुम लड़ो। बिल्कुल, मुसलमान तो उनका साथ दे रहे, उनको लड़ने की जरूरत है, लेकिन वो लड़ने को तैयार नहीं है, वो दोबारा गुलामी करने पर मजबूर हो रहे हैं और उनको बहकाया जा रहा है। तो क्या ऐसे में मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए जो जैसे हालात है उस पर छोड़ दे? देखिए, मुसलमानों का छोड़ना मसले का हल नहीं है। मुसलमानों से कहा गया है कि तुम मजलूमों का साथ दो, किसी के साथ ज्यादती होती है तो ज्यादती करने वालों को रोको। तो मुसलमानों को हर हाल में करते रहना चाहिए, ये ईमान है का फरीजा है। वोट देना हमारे यहाँ एक शरीफ फरीजा भी है, तो मुसलमानों के लिए वोट देना जरूरी है, इन लोगों का साथ देना जरूरी है, इनको समझाना जरूरी है। और मुसलमान लगातार ये बात समझा रहे हैं, लेकिन उनके जो अपने नेता है वो समझाने में नाकाम है। अब चुनाव पर देख लीजिए, बहस हो रही है, कहीं इस बात पर चर्चा हो रही है कि संविधान बदला जाएगा तो तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म होगा। आपने देखा किसी नेताओं को बात बताते हुए? मुसलमान के मोहल्लों में आकर के जरूर समझाएंगे कि जो चुनाव है ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर इस चुनाव में बीजेपी दोबारा जीत गई तो तुम्हारा कत्ल शुरू हो जाएगा, तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें नमाज पढ़ने से रोक दिया जाएगा। मुस्लिम मोहल्लों में आकर के सेकुलर नेता इस तरह की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन दलितों को जाकर के बात नहीं समझा रहे कि उनके साथ क्या मामला होगा। और असल फैक्टर वही है, वो जब तक अपना वोट इधर नहीं करेंगे, इन लोगों की सरकार नहीं बनने वाली है, इनकी जीत होने वाली नहीं है। क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए, आंकड़े 400 पार या फिर 200 के अंदर? देखिए, आंकड़े तो 200 अंक के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि जो पूरा साउथ है वहां बीजेपी का बिल्कुल सफाया होगा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सफाया होगा। सफाया हो रहा है? बिल्कुल, 18 सीट से सफाया हो जाएगा। बिल्कुल, 2 से 3 पर बीजेपी आने वाली पश्चिम बंगाल में विधानसभा का इलेक्शन इस बात की गवाही दे रहा, क्योंकि पिछली मरतबा थोड़ा एक दूसरा मोमेंट था, ममता बनर्जी भी कमजोर पड़ गई थी, कांग्रेस और टीएमसी के दरमियान वोटों का बंटवारा भी बहुत ज्यादा हो गया था। तीसरी मरतबा कांग्रेस भी 0 पर रहेगी पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी भी 2 सीट पर महदूद हो जाएगी, जो इधर झारखंड और बिहार से सटा हुआ एरिया है। इसके अलावा आप इंडिया की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पिछली मरतबा पूरी की पूरी सीट बीजेपी को मिल गई थी, इस मरतबा वहां भी सीटें कम होने जा रही है। तो हर स्टेट में अगर 5-5 सीटें भी बीजेपी में, क्या हाल होने जा रहा है? यूपी में भी बीजेपी 50 पर महदूद हो जाएगी, 80 में 50, 80 में 50। तो हर जगह बिहार में भी 25 सीट ज्यादा बीजेपी को नहीं आने वाली है। हालांकि अगर ये जो गठबंधन के नेता है ना, ये लोग अगर अच्छी तरह उम्मीदवार को उतारते, पहले से प्लानिंग करते, हर इलाके का अच्छे से जायजा लेते, तो इनकी और बड़ी जीत होने वाली। बहुत लेट इन्होंने क्या हाँ बहुत लेट उम्मीदवार को उतारा, जब बीजेपी सब कुछ कर चुकी थी तब इनके उम्मीदवार का ऐलान हो रहा है, वो संगठन नहीं बना पा रहा है, कार्यकर्ता को नहीं तय कर पा रहा है। ये तो आवाम का गुस्सा है, आवाम के जज्बात है, जिसकी वजह से अब तक का जो सर्वे है या जो रिपोर्ट है इनके हक में है। तो इनकी गलती है, अगर हार होती है, खुदा न खास्ता अगर 2024 के चुनाव में ये लोग 200 से ज्यादा सीट हासिल नहीं कर पाते हैं या बीजेपी 300 के करीब पहुंच जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार आवाम नहीं मानी जाएगी या जनता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि इन नेताओं को, कि इन्होंने वक्त रहते हुए काम नहीं किया, इन्होंने आपस में सबको मुत्तहिद नहीं किया, इन्होंने चंद सीटों के बंटवारा के लिए आपस में ही लड़ने का काम किया कि हम ज्यादा सीटों पर जीत जाए तो हम ज्यादा सीटों पर जीत जाए। अपने बिहार ही में देखा किस तरह कांग्रेस और आरजेडी में लड़ा एक टुकड़ा होता रहा, जो कांग्रेस की सीट थी उसको आरजेडी ने लेने की कोशिश की। एक सवाल और पूछूंगा, पप्पू यादव कैसा नेता और लोगों के लिए उनके दिल में क्या है? कभी उनकी छवि जो हुआ करती थी एक दबंग आदमी की हुआ करती थी, और अब लोगों के दिल में उनके लिए कितनी जगह? देखिए, पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि बड़े पुराने नेता है, काफी इनकी उम्र हो चुकी है, पूर्णिया से कई मरतबा इंडिपेंडेंट उन्होंने जीत हासिल की है। उनका माजी का रहा मुझे उस वक्त का नॉलेज नहीं, लेकिन इधर के दिनों में मैंने देखा कि जब भी कुछ हुआ तो वो लोगों के बीच पहुंचते थे। कोविड के जमाने में मैंने खुद देखा सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के जरिए कि वो हर जगह मदद पहुंचा रहे हैं, लोगों के लिए वो सामान भेज रहे हैं। अभी मैं खुद पूर्णिया होकर के आया हूँ तो वहाँ 4-5 लोग मिले, मैं एक जगह खड़े होकर के पब्लिक ओपिनियन ले रहा था, तो 2-3 लोग आए और उनका कहना था कि मैं बीमार पड़ा, पप्पू यादव को मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे इलाज के लिए पैसे भिजवाया या उन्होंने मेरा इलाज करवाया, पैसा दिया। 3-4 लोग मिले, सिर्फ एक जगह ही खड़ा होकर वहां पर 3-4 लोग आ गए, और ऐसी कई सारी बात लोग कह रहे हैं। खुद अररिया में गया, एक मेरा दोस्त है तो उसने कहा कि कोविड में मैं हैदराबाद में फंस गया था, पप्पू यादव के फेसबुक पोस्ट पर मैंने अपना नंबर कमेंट किया जो पेटीएम नंबर था, तो उस पर उन्होंने 1500 रुपये भेज दिए, मतलब कि हैदराबाद से आप अररिया पहुंच जाइए। तो इस तरह के कहने वाले कई सारे लोग मिले। पूर्णिया के जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, वो सब
पप्पू यादव को वोट देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि पप्पू यादव ऐसा शख्स है कि अगर बकरी भी किसी के मर जाती है तो आ जाएगा, बोलेगा अफसोस मत करो कोई बात नहीं, 5,000 रुपया किनारे में जाकर देगा, बोलेगा जाओ दूसरी बकरी खरीद करके ले आओ, तो वो करो। हालांकि आरजेडी भी पूरी कोशिश कर रही है, आरजेडी ने कारी साहब सबको मैदान में उतारा है, वो लगातार मुसलमानों के बीच जा रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो विचारधारा की लड़ाई है, अकेले एक पप्पू यादव का जिता करके क्या करेंगे। कुछ मुसलमान दानिश्वर जो अकलमंद है या फिर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ये कहते हैं कि अगले 20 साल के लिए मुसलमानों को चाहिए कि सियासत को छोड़ दे, इनको आपस में लड़ने दे, मुसलमान सियासत छोड़कर अलग हो जाए और पढ़ने लिखने में काम करे, पढ़ाई लिखाई करे और अपने आप को संवारे और छोड़ दे, जब ये लड़ जाएंगे, जब ये थक जाएंगे फिर आए। देखिए जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, वो चीज़ों को गहराई से नहीं देख रहे, उनका मकसद ही है मुसलमानों को किनारे कर देना, और धीरे धीरे दबाते जाएंगे। मतलब आरएसएस का या बीजेपी का एजेंडा ये है कि मुसलमानों को हम मारें, उनको सताएं, उनको नफसियाती तौर पर खौफजदा कर दें, वो अपने घरों से निकलने में डर महसूस करें, माएँ अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें कि जाओगे कोई भगवा रंग का रुमाल ओढ़कर आएगा, तुमको मारेगा, जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करेगा। और इन सब के खिलाफ जो हिम्मत आएगी, जो हौसला आएगा, एक्टिविज्म से आएगा, समाजी तहरीक से आएगा, सियासी तहरीक से आएगा, तो इन सबको ख़त्म कर देने के बाद अगर मुसलमान सियासत में एक्टिव नहीं होंगे, समाजी तहरीकों में एक्टिव नहीं होंगे, तो धीरे धीरे तालीम के रास्ते भी उनके लिए ख़राब हो जाएंगे। आप देखिए कई जगहों पर मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनकर जाने से मजबूर किया जा रहा है, उन इलाकों में मुसलमान सियासत नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद कहा जा रहा है कि तुम हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में नहीं आ सकती, कहीं पर कहा जा रहा है तुम ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाओ। तो ये सब जो हालात है, इसके मुकाबला आप कैसे करेंगे? जब आपके पास सियासी ताकत होगी, जब आपके पास समाजी तहरीक होगी, जब आपके पास सिविल सोसाइटी का ग्रुप होगा, तो आपको लगता है कि आप मैदान में उतर करके, आप उस समाज का हिस्सा बन करके, आप अपनी बात को फेस करके कि आप बिल्कुल आवाज़ तो बनना पड़ेगा ना। आप अगर मीडिया में नहीं आएंगे, आप सियासत में नहीं आएंगे, आप समाजी तहरीक में आएंगे, तो अपनी कम्युनिटी पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आप कैसे आवाज़ उठाएंगे? कौन आपकी आवाज़ उठाएगा? आप जिन पार्टियों को वोट करते हैं, जो सेकुलर पार्टियां, वो भी मुसलमानों के मुद्दे पर आजकल नहीं चढ़ती है। आप सैकड़ों मिसालें आपको मिलेगी, मुसलमानों की कहीं मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों के साथ कुछ होता है, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी आपको ट्वीट करते मिलेंगे, बदरुद्दीन अजमल ट्वीट करते मिलेंगे, दूसरे नेता का ट्वीट नजर आ जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का ट्वीट नहीं मिलेगा। तो छोड़ दीजिए इनको। आप मिसालें देखिए कि हाथरस का मामला हुआ, या अगर हम एक दलित लड़की के साथ रेप का मामला हो कहीं भी, तो प्रियंका गांधी जाने की कोशिश करती है, राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन आपको पिछले 4-5 सालों में कोई भी ऐसी तस्वीर नज़र नहीं आई होगी कि किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हुई, या और वहाँ राहुल गांधी गए हों या प्रियंका गांधी गई हो। राजस्थान में जुनेद और नासिर के कत्ल का मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था, वो दो भाई थे और उनको गौरक्षकों ने जानबूझकर मार दिया, जिंदा जला दिया, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत भी उनसे मिलने नहीं गए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां नहीं। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही बराबर है, एक ही सिक्के के दो पहलू मान। देखिए आरएसएस का जो एजेंडा था, बीजेपी का जो एजेंडा था, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसके सामने घुटने टेक दिए। राहुल गांधी थोड़े से मुख्तलिफ है, राहुल गांधी कांग्रेस की जो पूरी लीडरशिप रही है, इवन जो गांधी परिवार है, उसमें राहुल गांधी ऐसे शख्स हैं जो खुलकर आरएसएस के अजायम को, आरएसएस के एजेंडा को एक्सपोज करते हैं और बताते हैं कि आरएसएस देश के लिए किस तरह खतरनाक है, कैंसर है। लेकिन जो कांग्रेस के दूसरे लीडर हैं, वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जो लोग सेकुलर मिजाज वाले देश के हिंदू भाई हैं, उनको आप अगर मुसलमानों की तरफ से अगर आप इत्मीनान दिलाना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि मुसलमान कौन है, क्या मुसलमानों से उनको डरने की ज़रूरत है? उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों की तादाद अचानक से बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ प्रोपेगेंडे आ रहे हैं कि भाई उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो हमें भगा देंगे। देखिए एक उसूल है कि अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, आपको चुनाव जीतना है, कुछ करना है, तो पहले आपको कोई दुश्मन खड़ा करना होगा। तो बीजेपी और आरएसएस ने क्या किया, चुनाव जीतने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए, देश के 80% हिंदुओं को, खाओ उनको हिंदू कहिए या दलित कहिए, ओबीसी कहिए, कहा जाता है कि बहरहाल वो सब है ना एक धर्म के मानने वाले हैं, तो उनको मुसलमानों का खौफ डरा दिलाया, डराया, धमकाया, देखो ये 20% मुसलमान है, तुमको मार देंगे, कत्ल कर देंगे, इन्होंने 14% रहते हुए पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, दोबारा हिंदुस्तान की हुकूमत पर हावी हो जाएंगे। ये उनको डराया और धमकाया जाता है और उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको एक तरह से गलत न्यूज़ दी जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले तमाम सालों में कभी मुसलमान इनके लिए ख़तरा नहीं बने, मुसलमान इनके लिए ख़तरा बन भी नहीं सकते, क्योंकि मुसलमानों की आबादी पूरे देश में सिर्फ
14 से 15% है, और जो मुसलमानों की आबादी है वो घट रही है बढ़ने के बजाय। एस वाई कुरैशी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में किताब लिखी है और पूरे डेटा के जरिए उन्होंने समझाया कि पिछले 20 सालों में माजी के मुकाबले में जितनी मुसलमानों की आबादी बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी है बल्कि घट रही है, और उस किताब को लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुआ, तो अब जो लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, मुसलमानों से डरा रहे हैं कि मुसलमान 20% तुम पर जुल्म करेंगे या हुकूमत में आ जाएंगे, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनको अंदाजा लगाना चाहिए कि आखिर 14% कैसे 80% पर गालिब आ जाएंगे। अगर मुसलमान उनके लिए खतरा बनते, अभी तो मुसलमान हुकूमत में नहीं है, मुसलमानों के पास पावर नहीं है, मुसलमानों के पास कोई ढंग की सियासी पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों की इंडिया में हुकूमत थी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का ज़माना था या शमशुद्दीन अल्तमश का ज़माना था, अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना था, इब्राहिम तुगलक इब्राहिम लोधी का ज़माना था, या फिर मुग़लों का ज़माना आया, औरंगज़ेब का ज़माना आया, तब भी हिंदू इसी तरह रहे। अगर वो लोग हिंदुओं पर जुल्म करते, इनको मारते, इनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करते, तो क्या आज एक भी हिंदू रहता यहाँ? नहीं रहता। दिल्ली में उनकी हुकूमत थी और दिल्ली में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 11% है। दिल्ली में मुसलमानों की हुकूमत थी और दिल्ली में मुसलमानों की आबादी अभी सिर्फ 11% है। अगर वो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाते या कत्ल करते तो सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करते, जहां उनकी राजधानी थी, जहां से उनको ख़तरा था। आज के दौर में कोई स्टेट किसी पार्टी का महफूज इलाका बन गया है, वो पार्टी नहीं चाहती क्योंकि दूसरा वहां से चुनाव जीत सके। आगरा में उनकी राजधानी रही मुग़लों की, आगरा में मुसलमानों की कितनी आबादी है? 15% से कम है सारी आबादी उनकी है। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट हुआ होता तो वो आबादी खत्म हो जाती होते। उस वक्त इतनी आबादी भी नहीं थी, और उस वक्त उनका उरूज था, उनके पास आर्मी थी, उनके पास सेना थी, कि नहीं आप ही महाराजा रहिए, आप ही बादशाह रहिए, हम आपके मातहत बनकर रहेंगे। तो जो मुसलमान हैं उनसे जर्रा बराबर इनको डरने की जरूरत नहीं है, न खौफजदा होने की जरूरत है। सियासत करने के लिए उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उन्हीं से उनका राइट छीना जाएगा, क्योंकि आरएसएस का बुनियादी एजेंडा है मनुस्मृति को नाफिज करना, और मनुस्मृति में जो पुराना दौर है, जो छोटी जात के लोगों पर अत्याचार हुआ है, कि उनको मंदिर में जाने का राइट नहीं मिलेगा, उनको इज्जत के साथ बैठने का राइट नहीं मिलेगा, उनको कुर्सी पर बैठने का राइट नहीं मिलेगा, उनको उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, उनको उनकी खिदमत, उसमें दलितों को ऊपर उठाने की कोशिश की गई, उसमें रिजर्वेशन रखा गया। आइन के मुकदमा में ये बात शामिल है कि सबको बराबरी मिलेगी, सबको इंसाफ मिलेगा, सबको आज़ादी मिलेगी, भाईचारा रहेगा, मतलब तमाम इंडियंस बराबर होंगे, सबको इंसाफ मिलेगा, ये पहले नहीं था। तो समाजी इंसाफ जो आइन में दिया गया उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, और ये ख़त्म किया जाएगा किसके लिए? दलितों के लिए। आज भी किसी ब्राह्मण साहब मिलेंगे ना तो बोले यार मुसलमान तो बड़े अच्छे हमारे बराबर के हैं, ये जो दलित है ना हमारे बराबर के नहीं है, और मुसलमान खामखा इसकी लड़ाई लड़ने लगते हैं, इसकी आवाज़ उठाने लगते हैं, कहते हैं कि सब इंसान बराबर हैं और चक्कर में हम मुसलमानों से लड़ बैठते हैं। ऐसा है वो बोले कि मुसलमान हमारे बराबर का है, ये हमारे बराबर के नहीं, और मुसलमान इनको बराबरी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। एक मसला और है, क्या मुसलमानों को मुस्लिम पार्टी के नाम पर वोट मांगने वाली AIMIM ओबैसी की पार्टी को वोट करना चाहिए, या फिर अभी महागठबंधन बोल दीजिए या फिर इंडिया पार्टी बोल दीजिए, उसके तरफ आते? देखिए मुसलमानों को इख्तियार है, किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं, और धर्म के नाम पर या जात के नाम पर अकेली कोई MIM पार्टी नहीं है। अभी इंडिया अलायंस है, और इंडिया अलायंस में एक पार्टी है शिवसेना, हालांकि वो दो हिस्सों में तकसीम है। शिवसेना भी एक मखसूस कम्युनिटी की पार्टी है, जिसको एक धर्म खास हिंदुओं की पार्टी है वो, लेकिन उस पार्टी को इंडिया अलायंस ने शामिल किया है। या पंजाब में अकाली दल है, वो भी एक सिखों की पार्टी मानी जाती है और धर्म विशेष की पार्टी है। उसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, कुछ दूसरी पार्टी है। अब इस वक्त दो विचारधारा के दरमियान लड़ाई है, एक विचारधारा है सेकुलरिज्म की और दूसरी विचारधारा है कम्युनलिज्म की। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है वो सेकुलर विचारधारा को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। तो अगर किसी लोकसभा सीट से MIM का भी उम्मीदवार जीतता है तो वो सेकुलर विचारधारा को, इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करेगा, जरूरत पड़ने पर बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। बिहार में पिछले चुनाव में विधानसभा के इलेक्शन में 5 MIM के उम्मीदवार को जीत मिली सीमांचल में, ये लोग असेंबली पहुंचे, सरकार बीजेपी ने बनाई। लेकिन जब स्पीकर के लिए वोटिंग हुई, इलेक्शन हुआ, तो इन 5 लोगों ने किसको वोट किया, किसका साथ दिया था? आरजेडी का साथ दिया। तो जो सेकुलर पार्टियों का एजेंडा है वही ये भी कर रहे हैं, अलग तो नहीं गए।
इन्होंने उनको नुकसान पहुंचाने का तो काम नहीं किया। यह भी जब सरकार टूटी बनी, अख्तर उलमान अकेले थे, इसके बावजूद उन्होंने सपोर्ट किया। कई मरतबा राज्यसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, MIM के 2-3 उम्मीदवार थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया कांग्रेस के ही राज्यसभा उम्मीदवार को। चाहते तो नहीं कर सकते थे, फिर कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनता। तो MIM को वोट देने का मतलब है सेकुलरिज्म विचारधारा को सपोर्ट करना। तो अगर कोई लोकसभा की सीट ऐसी है जहां MIM का कैंडिडेट मजबूत है, वो जीतने वाला है, काबिल है, जीत सकता है, तो वोट करना चाहिए और वोट करना ज़रूरत है। कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बल्कि BJP के ही खिलाफ है। तो हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर से बताऊं कि आप शम्स तबरेज़ कासमी हैं, मिल्लत टाइम्स न्यूज़ दिल्ली से चलाते हैं और पूरी दुनिया में, पूरे भारत में और अलग अलग राज्यों में जब भी कभी मुस्लिम मसाइल उलझते हैं तो मुस्लिम मसाइलों पर अपनी बेबाक पत्रकारिता से अपनी बेशकीमती राय रखते हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को। हमारे साथ में मिल्लत टाइम्स का भी लाइव चल रहा है, आप उसे भी लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।